गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें कहा गया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं, ठीक। कहने का मतलब गोले की भी त्रिज्या और शंकु की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी गई है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। कहने का मतलब है जो शंकु की ऊंचाई है ना, वही इसकी क्या है, त्रिज्या। अब कहा गया है कि त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर ही होने वाली है, ठीक है। तो हमें फाइनल शंकु की ऊंचाई मिल गई और उसकी त्रिज्या मिल गई। और कहा गया इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब हमें पाई का मान नहीं रखना है, सिंपल पाई को पाई ही रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर की वैल्यू हमें 1 सेंटीमीटर दी गई है और ऊंचाई भी दी गई है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आयतन की बात कहा गया है। अगर आपने इसके पहले 2 दिन के पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर चैप्टर 13 के सारे जितने भी फार्मूले यूज होने वाले हैं उन सारे के सारे फार्मूलों को हमने एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से जाकर सारे फार्मूले लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे। तो लिखेंगे पूछा गया है इस ठोस का आयतन। इस ठोस में है कौन कौन सी चीज़ें, एक तो आधा गोला है और दूसरा शंकु है, ठीक है। तो गोले का आयतन सिंपल सा फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का जो फार्मूला होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करेंगे हमें इस ठोस का आयतन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देंगे। तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, क्योंकि यहां पर आधा गोला है, अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। तो यहां पर मान रखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर मान को हम लोग रखेंगे तो आएगा 2/3 पाई, आर की वैल्यू देखिए 1 दी गई है, हम 1 का क्यूब करेंगे, 1/3 पाई, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, एच की वैल्यू भी 1 है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो आएगा 2π/3 प्लस 1/3 पाई। दोनों में सेम एलसीएम है तो एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2π और ये 1π तो हो जाएगा 3π, तो 3 से 3 काटेंगे तो आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा आपका फाइनल आंसर, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। इसमें कहा गया है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक
मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ लेकिन इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कहा गया इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन मतलब हमें इस आकृति का ही आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें लिखेंगे यहाँ पर दिया क्या क्या गया है। व्यास दे दिया गया, ये जो व्यास है ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद कहा गया इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। किसकी? इस पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात ये कही गई है कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जो शंकु की ये ऊंचाई है ये 2 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, वो भी कहा गया है प्रत्येक शंकु की, इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अब आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर ये शंकु की ऊंचाई हो गई और 2 सेंटीमीटर नीचे की शंकु की ऊंचाई हो गई, तो 12 में से 2 नीचे के घट जाएंगे, 2 ऊपर की घट जाएगी, तो बचा हुआ बेलन का जो ऊंचाई है वो कितनी बच जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो जो प्राप्त है वो हम लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माना शंकु की ऊंचाई हम लोग क्या मान लेंगे, स्मॉल एच, और वो हमें कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई हमने 2 सेंटीमीटर माना, वो भी स्मॉल, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई हम मान सकते हैं, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई उसे हम लोग कैपिटल एच मानेंगे और वो दिया गया है 8 सेंटीमीटर। और हमें त्रिज्या क्या दी गई है, व्यास हमें 3 दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा यानी 3/2 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, यहाँ पर लिख देंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, तो देखिए यहाँ पर 2 तो हमारे पास शंकु हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 गुणे शंकु का आयतन प्लस इस बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, ये एक प्रकार का बेलन है, इसको अगर हम ऐसे बना देते हैं तो ये एक प्रकार का क्या है, बेलन। देखिए अब आपको पूरी तरह से शंकु दिख रहा है, ये पूरी तरह से बेलन दिख रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे, तो 2 गुणे शंकु का आयतन आपको पता है क्या होता है, 1/3 πr² h। यहाँ पर देखिए त्रिज्याएं सेम है। ठीक है, और लिखेंगे बेलन का आयतन होता है πr² H लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हमें जो भी कॉमन मिल सकता है उसे हम कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉमन आपको मिल रहा है πr². ठीक है, तो यहाँ से हम लोग πr² कॉमन करेंगे तो बचा हुआ कितना है, 2/3, यहाँ पर h बचेगा प्लस, और यहाँ पर कैपिटल h बचेगा।
और हम लोग मान रख सकते हैं पाई, पाई का मान हम लोग रखेंगे 22/7। ठीक है, क्या रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, 3/2, तो 3/2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और 2/3 गुणे स्मॉल एच की वैल्यू दी गई है 2, प्लस कैपिटल एच की वैल्यू दी गई है 8। ठीक है, इसे थोड़ा हम बड़ा कोष्टक बना देंगे। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, तो 22/7, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 4/3 प्लस हो जाएगा 8। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, अब इसे हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका देखिए हम लोग गुणा कराएंगे तो 11 × 99 हो जाएगा, 99/7 में क्या बचा, 7 और 2 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 × 2 और गुणे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, और 3 का इधर गुणा करेंगे, 3 × 8 = 24, 4 + 24 आ जाएगा यहाँ पर, और इसे हम लोग काट सकते हैं, 3 × 9 = 3, 3 × 9, 3 × 9, तो यहाँ पर बचेगा 33/7 × 2 और 24 × 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 7 × 9 = 7, 7 × 4 = 28 और 2 × 9 = 2, 2 × 4, इसका गुणा करेंगे तो देखिए 2 × 6 = 2, 3 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना था, ऊंचाई दी गई है, ठीक है, शंकु की ऊंचाई दी गई है दोनों की, तो टोटल लंबाई 12 है, 12 में से 2 सेंटीमीटर घटा देंगे तो बीच की जो बेलनाकार ऊंचाई है वो निकल आएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर व्यास दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आएगा 3/2। इसमें कहा गया इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है, इसका मतलब हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयतन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमें 2 फार्मूलों का इस्तेमाल करना होगा, एक शंकु और बेलनाकार भाग। ठीक है, और यहाँ पर 2 शंकु बने हुए थे, इसलिए 2 × शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, सीधे हमने फार्मूले को रखा, जो हमें वैल्यू दी गई हैं उन वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, तो आंसर कितना आया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं बच्चों। इसमें कहा गया है कि संलग्न चित्र में एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, और कहा गया 45 गुलाब जामुनों में लगभग की कितनी चाशनी होगी। ठीक है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास दिया गया 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें फाइनल हमें करना क्या है कि ये एक गुलाब जामुन है, इसमें देखिए बेलनाकार भाग भी दिख रहा है और 2 अर्ध गोले भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इन दो अर्ध गोलों का आयतन प्लस इस बेलनाकार भाग का आयतन फार्मूले का यूज करके दोनों को जोड़ेंगे और आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के बाद उसके आयतन का 30% कहा गया है, कहाँ पर 30% निकालेंगे। उसके बाद फाइनल में बाद में करना ये है कि 45 से हम लोग गुणा करा देंगे तो कुल चाशनी की मात्रा निकल आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें दिया क्या गया है, दिया गया है इसका व्यास, ये जो व्यास है ये कितना दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा गया है इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये कुल लंबाई जो दी गई है
ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या निकलेगी इसकी, आधी आधी आएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आधे गोले हैं, तो आधे गोलों की जो त्रिज्या होती है वो सभी हर तरफ बराबर होती है, तो ये हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। इसी तरह ऊपर ये त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आप खुद बताइए कि अगर हमें 5 सेंटीमीटर कुल लंबाई दी गई है, 1.4 ऊपर की घटा देना, 1.4 नीचे घटा देना है, तो बीच की बची हुई बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी बचेगी, वो कितनी बच जाएगी, वो बचेगी 2.2 सेंटीमीटर। कैसे बचेगी, आपको फाइनल करना क्या है, 5 सेंटीमीटर से 1.4 ये, 1.4 ये घटा देना है। ठीक है, तो चलिए घटा के देखेंगे, 1.4 इतना हो जाएगा, 1.4 ये हो जाएगा, यानी कि ये होगा कितना, 2.8। घटा के देखते हैं, 10 से 8 जाएगा 2, ये 4 बचेगा, 4 से 2 जाएगा 2, देखिए कितना बच गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसे हम मेट देंगे। इस तरह हमें जो जो प्राप्त हुआ है उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें जो त्रिज्या प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई 1.4 सेंटीमीटर, और हमें और क्या प्राप्त हुआ है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई प्राप्त हुई है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, दो ही चीज़ हमें प्राप्त है। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन की चाशनी की मात्रा निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एक गुलाब जामुन की चाशनी की मात्रा। ठीक है, चाशनी की मात्रा, तो हमें निकालने के लिए करना क्या होगा, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग का आयतन निकालेंगे, यानी कि लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग का आयतन, भाग का आयतन प्लस 2 गुणे अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो बेलनाकार भाग का आयतन का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्ध गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से हमें जो भी कामन मिलेगा वो हम कामन कर सकते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो कामन करेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा h प्लस, और ये कितना बच जाएगा, 2 × 4, और ये यहाँ पर एक r बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पर मान को रखेंगे। ठीक है, तो पाई का मान रख सकते हैं 22/7, r की वैल्यू दी गई है 1.4 गुणे 1.4। ठीक है, और h की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.2 प्लस 4 गुणे r की वैल्यू दी गई है 1.4 बटे में कितना है, 3। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे और इसे हम काट सकते हैं, 0.2 बार में कटेगा, तो 22 × 44 यानी 4.4 गुणे 1.4, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, 3 एलसीएम लिया है, तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस
इसका गुणा इसमें करेंगे तो 14 चौक 56 यानी 5.6, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 4.4 × 1.4 × इसका भी अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 12.2 / 3, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग फाइनल सॉल्व करेंगे, केवल इसको हमें गुणा करना, ठीक है, इस 3 को हमें नहीं काटना है क्योंकि हमें क्या करना है, उसका 30% अभी और निकालना है, ठीक है। तो ये आएगा कितना, ये आएगा 75.152/3 cm³, ठीक है। और देखिए ये तो हमारा अभी एक जामुन की चाशनी की मात्रा आई है, लेकिन कुल नहीं आई क्योंकि उसने कहा है 30% अभी चाशनी निकले होगी, ठीक है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर हम ये न लिख कर ये लिख सकते हैं कि गुलाब जामुन की चाशनी की मात्रा है, सही लिखा हुआ, ठीक है, राइट है। तो हम लोग लिखेंगे आयतन का, यहाँ पर लिख सकते हैं एक गुलाब जामुन की आयतन का 30% चाशनी, ठीक है। तो ये हमारी क्या निकल के आएगी, एक गुलाब जामुन की क्या निकलेगी, चाशनी की मात्रा निकल के आएगी। और यहाँ पर देखिए दिया गया है 75.152 × 30% हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 3 से इस 30 को काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो इस 10 का इसमें अगर भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7.5152 cm³। ये अभी आया है केवल एक गुलाब जामुन की चाशनी की मात्रा है, ठीक है। और हमें निकालना कितने का है, 45 गुलाब जामुनों का। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 35 गुलाब जामुनों की चाशनी की मात्रा। तो हमें फाइनल करना क्या है, केवल 7.5152 में 45 का गुणा करवा देना है, ठीक है। जैसे ही हम लोग गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 338.4 cm³, ठीक है। लगभग में अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसे फाइनल लगभग में हम लोग लिख सकते हैं 338, क्या लिखेंगे, 338 cm³, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देते हैं, आपको करना क्या है कि एक गुलाब जामुन, यहाँ पर जामुन लिखा हुआ है, जामुन की चाशनी की मात्रा निकालने के लिए बेलनाकार भाग का आयतन और 2 × 1/2 गोले का आयतन का फार्मूला लगा देना है, मानों को रखना है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना आयतन आएगा। अब इसका 30% निकालेंगे तब जाकर आपको एक गुलाब जामुन की चाशनी की मात्रा प्राप्त होगी। और हमें फाइनल बाद में करना क्या है कि 45 से गुणा करा देना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसे एक बार यहाँ पर कर देते, ठीक है, आप भूल ना जाएं। तो ये हमने इसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पर नोट करना है कि 45 गुलाब जामुनों की चाशनी की मात्रा, इसमें केवल 45 का हमने गुणा कराया और लगभग में आ जाएगा 338 cm³, ठीक है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है, संलग्न चित्र में एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक घनाभाकार लकड़ी का एक क्या है, टुकड़ा है, जिसमें पिन रखने के लिए 4 छोटे छोटे शंकुआकार गड्ढे बनाए गए हैं, ठीक है। तो हमें फाइनल इसमें करना क्या है कि इस घनाभ के आयतन निकाल लेना है। निकालने के बाद ये 4 छोटे छोटे शंकु के आयतन को घटा देना है, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या किया है, एक गड्ढे 4 गड्ढे किए हैं जिसमें हम पिन को रख सके, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर गड्ढे हैं, इसका मतलब कि उसमें आयतन निकाला गया है कितने, 4 शंकु आकार गड्ढे, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर पूछा गया लकड़ी का आयतन, तो लिखेंगे लकड़ी का शेष आयतन, ठीक है, लकड़ी का शेष आयतन, शेष आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है, इस घनाभ की जो लंबाई है यहाँ पर दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई, ये चौड़ाई होती है दी गई है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गड्ढों की त्रिज्या दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, तो पहले हम लंबाई लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई देखिए इसकी हम कैपिटल एच मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऊंचाई हो जाएंगी, तो 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, और शंक्वाकार गड्ढे की गहराई यानी ऊंचाई दी गई है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए फार्मूले को रखेंगे, घनाभ का आयतन होता है LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई माइनस 4 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कौन सा एच मानेंगे, कैपिटल एच, तो लंबाई दी गई है 15 गुणे चौड़ाई हो जाएगी 10 और ऊंचाई होगी 3.5, ठीक है, और माइनस 4 गुणे 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू दी गई है कितनी है 0.5 गुणे 0.5 गुणे ऊंचाई दी गई है 1.4, ठीक है। और अगर हम यहाँ से दशमलव को हटाना चाहें तो आराम से हटा सकते हैं, ठीक है, दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगाएंगे, ये दशमलव हटेगा, यानी कि यहाँ पर केवल बचेगा कितना 5, और इसे हटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना बच जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 14 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए काटेंगे 7 × 7 7 × 14 और क्या कटेगा 2 × 2 2 × 5 10 5 × 5 को काट देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे। देखिए इसको चाहें तो दशमलव हटा दें, ये हट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 15 गुणे
35 माइनस इसका हम लोग गुणा करवा सकते हैं तो आएगा 88 गुणे 5 और बटे में हो जाएगा 3 गुणे ये हो जाएगा 10 गुणे 10 100। इसका हम लोग गुणा करेंगे तो फाइनल इसका गुणा कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 525 माइनस अगर आप लोग इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.467। ठीक है, इसका आप लोग गुणा कर सकते हैं और इसे अगर हम लोग घटाएंगे तो घटाने पर देखिए मात्र 1.467 घटेगा, किससे, इससे अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 523.533 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर, स्क्वायर ना होकर क्या हो जाए क्यूब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको एक से लगाकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।